नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई ट्रिप टू माइलाहाट। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल में देख लिया होगा, तो मैं कई सारे अपने पिछले व्लॉग्स में बात कर रहा था कि मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ। वो ट्रिप कैसी होगी, मतलब मैंने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। बट जब मैं उस ट्रिप पे गया दिल्ली माइलाहाट, तो मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं। तो मैं आज उससे रिलेटेड ही, ये व्लॉग तो नहीं कह सकते इसको, बट ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। व्लॉग मैंने शूट किया था, बट अगर मेरे को लगेगा ठीक तो मैं उसको बैठ करके व्लॉग डाल दूंगा। बट अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो माइलाहाट जाना चाहते हैं, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि माइलाहाट तक पहुँचने का रास्ता कैसे है, दूसरी चीज़ किन किन लोगों को जाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ मिलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो इस वीडियो का यही रहेगा। और क्या ज़रूरी है कि आप संडे को ही जाएं? अगर आप बाकी दिन जाएंगे तो कैसा माहौल होगा वहाँ पर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बहुत कम बात करी है और वीडियोज़ बहुत कम है यूट्यूब पर। तो मैं आज आपको एक अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट थिंग है कि हमको माइलाहाट तक पहुँचना कैसे है। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कहीं पर भी दिल्ली में, तो आपको अपना नियर बाई मेट्रो स्टेशन पे जाना है। वहाँ से आपको जाना है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट पहुँचने के बाद आपको दिल्ली गेट में गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करना है। बहुत सारे एग्ज़िट्स होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, तो आपको गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करना है। अगर आप संडे को गए हैं तो आप जैसे ही निकलेंगे सामने आपके रोड होगी, रोड क्रॉस करना है। राइट साइड में सीधा हल्का सा आगे जाओगे आप, 100 मीटर भी नहीं होगा, आपको दिख जाएगा, लिखा होगा बड़ा बड़ा, संडे बाजार माइलाहाट बुक मार्केट। तो हमने समझ लिया कि सबसे पहले जाना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब जो दूसरा इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि किन लोगों को जाना चाहिए और कौन कौन सी किताबें वहाँ मिलेंगी। तो सबसे पहले जो लोग 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं, सारे ओलंपियाड्स की, जेई मेंस, नीट की, वो लोग पहुंच जाए वहां पर, उनको सारी बुक्स मिलेंगी। एनसीईआरटी की बुक्स 40-40, 30-30 रुपीज़ में मिलेंगी आपको, कोई भी। दूसरा आर डी शर्मा आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को जरूरत होती है, वो वहां पे अवश्य मिलेंगी, ठीक है। दूसरे और लोग कौन जाने चाहिए, जो UPSC, SSC, ठीक है, और भी कई प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रिपरेशंस वाली बुक होती हैं वो तो वहाँ पे मिलती ही मिलती हैं। देन जो लोग रीडिंग करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स चाहिए जिनको, तो वहाँ पे सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉवेल्स, आप बिलीव नहीं करोगे, 10-10 रुपीज़, 20-20 रुपीज़ में मिलते हैं और 50-50 रुपीज़ में मिलते हैं, अच्छी अच्छी लेटेस्ट लेटेस्ट एकदम। अगर लेटेस्ट है तो 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, थोड़ा बार्गिन करोगे थोड़ा कम भी कर देगा वो। वहाँ पे स्टेशनरी का सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। मेडिकल इंजीनियरिंग, मैं इन्हीं की बात करूंगा, और तो मैं बाकी जो मैंने पूछा नहीं तो मैं अपना क्यों बताऊं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं उसी में शेयर करूंगा। तो दूसरा जो है कि अब मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को वहाँ पे जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल की, क्योंकि इसमें मैंने अच्छे से डिटेल में सब कुछ जाना। तो मेडिकल के बच्चों को वहाँ पर जाना चाहिए, बट अगर आपको कुछ किताबें चाहिए जो मोस्ट यूज़ हैं तो वो आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी वहाँ पर। बट अगर आप वो किताब लेने जा रहे हो जो मोस्ट यूज़ में नहीं है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है, तो वो आपको बुक वहाँ पे उस महिला हाट में जहाँ पे बुक मार्केट लगी होती है वहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शानबाग फार्माकोलॉजी की बुक है, KG त्रिपाठी फार्माकोलॉजी की बुक है, ये सब वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाएंगी आपको। थेरापिटिक्स की जो कॉमन बुक्स होती हैं, हैरिसन मिल जाएगी आपको, BD84 जो फर्स्ट ईयर में MBBS में यूज़ होती है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, वो बहुत इजीली मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन बुक्स हैं। बट मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुक्स अगर आपको लेनी है, सिर्फ आप इसी के लिए जा रहे हो मेन, तो आप ज़रूरी नहीं है कि संडे को ही जाएं, क्योंकि संडे को एक प्रॉब्लम, अब मैं थोड़ी बात करता हूँ प्रॉब्लम्स की। तो एक प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है कि संडे को वहाँ पर जितने भी शॉप्स होती हैं वहाँ पर, सीधी सिंपल सी बात यह है, जो दिल्ली बुक बाजार है, दिल्ली बुक मार्केट है, वो ये है कि वहाँ पे जैसे ही आप उस महिला हाट से बाहर निकलोगे और रोड क्रॉस करोगे, और रोड क्रॉस करने के बाद आपको रोड के पीछे तरफ जाना है, वहाँ पे इतनी सारी दुकानें होंगी किताबों की, इतनी सारी आप लोग डोंट बिलीव कि
कितनी किताबें की दुकानें हो सकती हैं, एकदम मतलब लाइन लगी पड़ी है पूरी किताबों की दुकानों की। और वहां पर आपको रोड पे तो है ही है, गली में घुस जाओगे वहां पे भी आपको दुकानें मिलेंगी किताबों की, बट संडे को वो सारी किताबों की दुकानें बंद रहती हैं, क्योंकि वो सब लोग आ जाते हैं कहाँ पर, महिला हाट में अपना बुक बाजार लगाने या बुक मार्केट लगाने। तो उस दिन ये ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स लेकर आते हैं, सारी बुक्स लेके नहीं आते हैं। फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपको कौन सी बुक चाहिए, आप बोलोगे कि मेरे को ये बुक चाहिए, फिर वो अपने पूछेंगे कि हाँ ये बुक है कि नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे आधे लोग आए भी नहीं होते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। तो दो चीज़ें हमने समझ ली कि पहली चीज़ तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स और इंजीनियरिंग की बुक लेनी है तो संडे इज़ नॉट अ डे, आप सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कभी भी जल्दी जाओ, वहाँ पे दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पे उतरो, उसको क्रॉस करो, सामने रोड होगी, ठीक है, मतलब क्रॉस करो आप, क्रॉस सिंपल उसको क्रॉस करो और पीछे चले जाओ, सिंपल है। आप वहाँ पे किसी भी पूछ लो कि यहाँ पे बुक्स की दुकानें कहाँ पर हैं, कि वो सब बता देंगे आपको कि कहाँ, बहुत पास में, वॉकेबल डिस्टेंस है, 100 मीटर भी नहीं होगा, तो आप वहाँ पे बड़ी ही ईजिली पहुँच सकते हो, ठीक है। और वहाँ जाकर आप जब बुक्स बाय करोगे तो वो आपको और भी ज़्यादा मार्जिन कम में मिलेंगी बुक्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता जिसे मैं कहूँगा वो मिलेंगी, और सारी बुक्स मिलेंगी। अब क्या है कि आप संडे को पहुँच गए, दुकानें बंद हैं, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना। अगर आप संडे को जाओगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, अगर आपको नहीं मिली आपकी किताबें, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप किताब देख रहे हो या फिर जो आप किताब ढूंढ रहे हो वो वहाँ पे हुई हो। अगर आपकी किताब हुई तो आपके लिए तो अच्छा हो गया, बट जिसके लिए नहीं है उसके लिए तो वो सौदा घाटे का होगा, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पे और भी लोग थे जो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, दिल्ली से तो खैर दो तीन लोग ही थे, मतलब दिल्ली में भी बहुत पीछे से, दिल्ली में जिन्हें कि दिल्ली से गाजियाबाद से लोग आए हुए थे, और दो लोग तो चेन्नई तक से आए थे। सोचो वो लोग भी भटक रहे थे क्योंकि उनको बुक्स नहीं मिल रही थी, उसमें से दो तीन लोग तो इंजीनियरिंग के थे, बट यही एक प्रॉब्लम थी जिस चक्कर में मेरे को जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब रहा, मैं साफ बोलूँगा, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ चाहिए स्टेशनरी, बुक्स कि सॉरी किताबें, वहाँ पे नोटबुक्स क्या मिलती हैं, बहुत सस्ती सस्ती मिलती हैं, किलो के भाव मिलती हैं, किलो के भाव आपको महिला हाट में नहीं मिलेंगी, बट आप दुकानों में आ जाओगे ना पीछे, वहाँ आपको किलो के हिसाब से किताबें मिलेंगी, 1 किलो किताब 60 रुपये की। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि संडे इज़ नॉट अ डे, संडे सिर्फ उन लोगों के लिए जो नोवल, जिनको नोवेल्स पढ़नी होती हैं, जिनको 11th 12th की बुक्स चाहिए, ठीक है, आरडी शर्मा वगैरह चाहिए, तो वो जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स लाइक अ मार्केट, जैसे लगता है ना संडे बाजार, मंडे बाजार, उस टाइप का है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा इसको वो ना हाइप ना दें, बट सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए, XYZ कोई भी बुक्स सस्ते दामों में, तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में कहाँ, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरिए, और वहाँ आपको किसी से भी पूछ लीजिए कि बुक्स की दुकानें कहाँ होंगी, वॉकेबल डिस्टेंस है, सिर्फ पीछे से रास्ता गया है, हल्का सा मतलब गया रास्ता, आप आराम से जाके वहाँ सारी बुक्स ले लोगे, और इस वीडियो को फिर लाइक करोगे और थैंक्स बोलोगे मेरे को। तो इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा लंबी मेरा बनाने का मकसद नहीं था, क्योंकि आई नो कि कोई इतना लंबा वीडियो देखता नहीं है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इट्स गिव मी अ मोटिवेशन, जब भी सब्सक्राइब बढ़ता है तो मेरे को बहुत लगता है। बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।